नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीएमएम फॉडलर की। शेयर में अचानक एक तेजी आई है और वहां पर हम देखेंगे लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वहां से नए चेंजेस क्या हुए हैं जीएमएम फॉडलर में, एंड असेस करेंगे फिलहाल जो तेजी का कारण है क्या वो वन टाइम तेजी है या फिलहाल कोई मैक्रो जगह पर मैक्रो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी शेयर में हमें तेजी देखने को मिल रही है, जो कंपनी का बिजनेस है जहां पर हमें फंडामेंटली स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, एंड एंड में हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस मिलता रहे। तो लास्ट टाइम जीएमएम फॉडलर की बात हमने 20 जैन 2021 को की थी, यहाँ पर रिजल्ट आए थे, एंड वहां पर एक बार देख लेते हैं हम कि लास्ट टाइम क्या बात की थी, एंड यहाँ से हम न्यू अपडेट लेंगे। तो एक तरीके से नया लेग शुरू हुआ शेयर का, जहाँ पर ओएफएस के थ्रू नए शेयर नए प्राइस पर दिए गए। तो बेस प्राइस आप देख सकते हैं, इस प्राइस को सपोर्ट लिया शेयर ने लगभग 3400 के आसपास। तो अभी ये स्टॉक ऐसा नजर आ रहा है जहाँ ग्रोथ जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा स्टॉक लग रहा है, जिस हिसाब से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर थोड़ा नीचे का रिस्क लेना चाहते हैं या फिर डिप पर बाय करना चाहते हैं तो ये लेवल अच्छा लग रहा है, और इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं अपने, या फिर थोड़ी पोजिशन शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने लेवल्स डिस्कस किए थे। तो चलिए अब लेटेस्ट प्राइस देखते हैं क्या अपडेट आ रहे हैं। तो जीएमएम फॉडलर में आज के दिन प्रेजेंट टाइम में आप देखिए 4618 का प्राइस दिखाई दे रहा है, 14% की तेजी, 580 पॉइंट्स की तेजी दिखाई दे रही है जीएमएम फॉडलर में। और यहीं पर एक साल का चार्ट लगाए तो आप देख सकते हैं कि बीच में ओएफएस आया था शेयर में स्पाइक के बाद, एंड वहां पर काफी इन्वेस्टर नाराज भी थे कि ओएफएस का प्राइस नीचे लाया गया है, इन्वेस्टर को फंसाया गया है। तो उसके बाद आप देखिए क्या वो साइडवेज मूवमेंट हुई, फिर तेजी आई, साइडवेज मूवमेंट, अगेन स्पाइक। तो ऐसे पैटर्न हमने कई स्टॉक्स में पहले भी देखे हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पर चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिलहाल तेजी का कारण क्या है। तो जीएमएम फॉडलर का बिजनेस क्या है, जीएमएम फॉडलर लीडिंग सप्लायर है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का, सिस्टम्स का, फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन इन ग्लोबल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मार्केट। तो यहाँ पर कंपनी ज्यादा ग्लास लाइन प्रोडक्ट्स बनाती है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंड केमिकल सेक्टर में काफी यूज होते हैं, एंड आप जानते हैं पिछले एक साल से कौन से सेक्टर ज्यादा फोकस में है, बोथ केमिकल सेक्टर की ज्यादातर मिड कैप कंपनीज एंड लार्ज कैप कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां पर कोविड सिचुएशन को लेकर अभी दोबारा से फार्मा सेक्टर में डिमांड बढ़ गई है। तो यही रीजन है आप देख सकते हैं कि इन इक्विपमेंट्स की अब ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए ज्यादा तेजी से सप्लाई की जरूरत होगी, जहां पर सारे बड़े ब्रांड देख सकते हैं आप लगे हुए हैं यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर को संभालने में। तो यही रीजन है आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी वैसी तेजी नहीं है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स की फिलहाल डिमांड में है। एंड अगर हम ट्रेडिंग लेवल से भी बात करें तो शेयर अच्छी करेक्शन एंड साइडवेज कंसोलिडेशन कर चुका है। आज का अगर एनएसई पर आप देखें अभी तक तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 4,33,000 से ऊपर, डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,30,000, 30% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरी अमाउंट आप ज्यादा नहीं बता सकते, पर स्पाइक भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हमें दिखाई दे सकती है इंट्राडे। तो फिलहाल कंपनी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट दिया गया कुछ दिन पहले कि बोर्ड मीटिंग होगी 28 मई को, तो आज से लगभग 2 से 2.5 हफ्ते बाद यहाँ पर आपको बोर्ड मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट सामने आएंगे, एंड साथ में पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, वहां पर फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया जाएगा। तो 28 मई के दिन आप जरूर ध्यान रखिए, वहां पर इंपॉर्टेंट डेट है जीएमएम फॉडलर के लिए। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें तो आप देख सकते हैं करंट प्राइस 4,000 के आसपास है, आज का एडजस्टेड प्राइस के बाद आप देख सकते हैं और ऊपर जा चुका है। यहाँ पर स्टॉक का पीई काफी हाई है और ये लास्ट ईयर से आप देख रहे हैं आरओसी 30% है एंड आरओवी 23.5%। तो आरओसी आपको धमाकेदार डबल डिजिट नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये कंपनी का फोकस रहता है, कंपनी ने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया न्यू बिजनेस न्यू आइडियाज पर और आने वाले समय में कितना वापस मुनाफा जनरेट किया। तो आरओसी 30% के आसपास दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ भी कि जीएमएम फॉडलर कोरोजन रेजिस्टेंस ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स। तो पर फार्मास्यूटिकल केमिकल सेक्टर में ऐसे ग्लास इक्विपमेंट्स की काफी जरूरत रहती है जहां पर कोरोजिव ना हो ताकि रिएक्शंस हो सके उनमें, एंड अगेन मिक्सिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्सिंग सिस्टम्स, फिल्ट्रेशन एंड डाइंग सिस्टम, इंजीनियर सिस्टम एंड हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के लिए जानी जाती है कंपनी। फर्दर देखें तो आप देख सकते हैं जीएमएम फॉडलर मार्केट लीडर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में इंडिया में, जहां पर 50% से ऊपर मार्केट शेयर है। और जीएमएम एक जॉइंट वेंचर है फॉडलर आईएनसी जो 50% स्टेक लेता है, अशोक पटेल फैमिली जो 24.6% स्टेक लेते हैं कंपनी में, एंड लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं एग्रीजन की, तो आप उनको जाकर रेफर कर सकते हैं। तो इस बार Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, लास्ट टाइम मार्च की बात की जाए तो 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, तो इस नंबर से हमें कंपेयर करना है। फिलहाल के जो ट्रेंड है हमें FY21 के जो ईयर्स दिख रहे हैं वहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिख रहा है, तो उम्मीद रहेगी कि लास्ट टाइम से भी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी। एंड यहाँ पर
अभी अप्रैल मंथ के बाद फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ी है, तो Q1 FY22 भी कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखिए 2010 में कंपनी की 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहता था, 2015 तक 19 करोड़ हुआ, एंड हाल ही में आप देखिए पिछले 4 से 5 साल में कंपनी ने बूम पकड़ा है, जहां पर 81 करोड़ है टिल दिस मंथ, 2020 में 71 करोड़, 2019 में 51 करोड़। तो यहाँ पर लंबे समय तक आप देख सकते हैं एक छोटी रेंज में चला प्रॉफिट, एंड पिछले 5 साल में हैवी बूम देखने को मिला है। एंड उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, मार्जिन्स 19% तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की मार्जिन्स जो पहले 12% हुआ करती थी, 13% हुआ करती थी, तो हाल ही में 2020 एंड 2021 में अच्छा कंपनी की मार्जिन्स आई है। एंड सेल्स की बात करें तो आप देखिए 200 करोड़ की लाइन में रहती थी 2014 तक, तो आपको 670 करोड़ दिखाई दे रही है टिल दिस मंथ, तो लगभग 600 करोड़ के आसपास पकड़ सकते हैं हम लास्ट 2 ईयर्स के। इंटरेस्ट आप देखें तो 6 करोड़ का पे करना पड़ता है, यानी ज्यादा बोरिंग्स नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 131 करोड़ पर 6 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी मैनेज कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट एक्जैक्टली, हम देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहे हैं 379 करोड़ के, एंड बोरोइंग 61 करोड़ की, जो हाल ही में 2020 एंड 2021 में हमें आती दिखी है। एंड वहाँ पर रिजर्व्स के सामने एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने थोड़ा कम रहता है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ज्यादा डेंट नहीं पड़ता। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो आप देखते हैं OFS के बाद चेंज हुआ है, वहाँ पर 54.95 है फिलहाल प्रोमोटर्स के पास। हाल ही के आप क्वार्टर में देखें तो DIIs की बात करें तो 8.09 से बढ़कर 8.46 अपना स्टेक इंक्रीज किया उन्होंने। तो हम देख रहे हैं स्टॉक में अगर वापस जाए 6 मंथ का चार्ट लगाएं तो आप देख सकते हैं हाल ही के क्वार्टर में साइडवेज चला है ना, यहाँ पर थोड़ी एक्यूमुलेशन हो रही थी, एंड यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहले से चल रही है। तो फिलहाल ये संकेत हमें दे रहे हैं कि DIIs एंड FIIs ने स्टेक बढ़ाया है, और वही हमें नंबर में दिखाई दे रहा है। FIIs की बात करें तो 6.63% से बढ़ाकर 6.97% दिखाई दे रहा है, एंड पब्लिक की बात करें तो 29.62% शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तो चलिए अब हम स्टॉक के चार्ट पर चलते हैं, लास्ट टाइम वाले ड्रॉइंग से इनको हटाते हैं, देखते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल हम नॉर्मल चार्ट देख रहे हैं, लॉक चार्ट बाद में देखेंगे। तो फिलहाल कंपनी ने हाई बनाया था 2020 फेब में, उसके बाद काफी शानदार रैली करेक्शन, एंड कहाँ पर आया स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो टर्न टू सपोर्ट हो गया था उसको रिस्पेक्ट किया स्टॉक ने, यही लाइन हमने ड्रॉ की थी शुरू में, आपने देखा था कि 3300 3400 के आसपास सपोर्ट है, एंड स्टॉक उस समय यहाँ पे कहीं था जनवरी के आसपास बात की थी हमने, और वहां से आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्या किया, साइडवेज कंसोलिडेशन। वीकली चार्ट है तो एक कैंडल आपको एक वीक का डेटा दिखा रही है, यानी लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल को एक तरीके का रेजिस्टेंस बनाया स्टॉक ने, जहां पर नीचे से बाइंग आती रही एंड एक्यूमुलेशन होती रही, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको हैवी एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, एंड जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, एंड फिर वही लेग आपको दिखाई दे कंसोलिडेशन का, जहां पर नीचे एक सपोर्ट था एंड ऊपर एक तरीके का रेजिस्टेंस था, जो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसको लेफ्ट साइड को राइट साइड में टेस्ट किया एंड नीचे सपोर्ट लिया, तो फिर से साइडवेज करेक्शन, एंड आज फिर एक स्पाइक है जिसने कहाँ रेजिस्टेंस लिया है, जो अभी इसकी बात कर रहे हैं हम 4550 के आसपास। तो स्टॉक तो आप देख रहे हैं कि फिलहाल काफी समय से बुलिश है, जहां पर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चल रहा है, फिलहाल एक तरीके की ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। अगर लंबे समय की बात करें, लास्ट नवंबर से लेकर अब तक की बात करें, यानी धीरे धीरे एक तरीके का चैनल फॉर्म होता बनता दिखाई दे सकता है हमें। तो यहाँ से अगर स्टॉक एक तरीके का ब्रेकआउट करता है तो आपको लगभग 5200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ले, फिलहाल एक्यूमुलेशन प्रोसेस पूरा ना हुआ हो एंड स्टॉक नीचे आ जाए, तो इसलिए रिकमेंड होगी कि इस हाई लेवल पर बाय मत करिए। जब लास्ट टाइम हमने बात की थी तो डाउनवर्ड रिस्क काफी कम था, 3400 3300 के आसपास था, जो 200 300 पॉइंट नीचे था, पर अब आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न जब नजर में आ जाता है दुनिया का, तो वहां पर काफी कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं बड़े मनी मूवर्स मार्केट मूवर्स की किस तरीके से साइकोलॉजी से प्ले करना है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल 5100 तक के लेवल जरूर टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इतने हाई लेवल पर जब 14% की तेजी हो तो आपका रिस्क मार्जिन बढ़ सकता है, तो वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। एंड जब से हमने बात की थी वहां से स्टॉक ऑलरेडी लगभग 30 से 40% के रिटर्न्स दे चुका है। लॉक चार्ट की अगर बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में मूवमेंट पहले एक तरीके के स्लोप पर होती थी एंड उसके बाद एक हैवी ऊपर की तरफ बाइंग आई, और आप देख सकते हैं कि जब लॉक चार्ट में आपको इतने बड़ा लेवल दिखाई दे तो यानी तेजी जबरदस्त आई है। लॉक चार्ट में भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि पहले एक लेवल के ट्रेंड लाइन से हमें आता दिखाई दे रहा है, जहां पर आज का जो बॉटम है वो एग्जैक्ट इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पर रहता है जो जुलाई 2019 से चल रही है। तो स्टॉक चलने के ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल रिस्क मार्जिन काफी ज्यादा है, तो ये कॉल आपको लेना पड़ेगा। एंड अगर कोई डिप आता है तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे अभी नॉर्मल चार्ट में, उनको लेकर आप आगे स्टॉक में अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों GMM फॉडलर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।